हर चीज और मादे में हरारत होती है। गर्म मादों में ज्यादा और ठंडे मादों में कम। स्टील के तीन छोटे बर्तन लें। तीनों बर्तनों को आधे हिस्से तक नल के पानी से भरें। एक मोमबत्ती जलाएं। चिमटे की मदद से पहले बर्तन को 2 मिनट तक मोमबत्ती के ऊपर रखकर उसे हरारत दें। दूसरे बर्तन को कुछ देर बर्फ के ठंडे पानी में या फ्रिज में रखें। तीसरे बर्तन का पानी वैसे ही रहने दें। बाद में तीनों बर्तनों में उंगली डुबोकर देखें। क्या आपको फर्क महसूस होता है? जिस बर्तन को हमने हरारत दी उसमें भरा पानी गर्म हो गया, जिस बर्तन को ठंडे पानी में रखा उसमें भरा पानी ठंडा हो गया, तीसरे बर्तन के पानी में कोई तब्दीली नहीं आई। हर चीज और मादे में हरारत होती है। किसी चीज या मादे का गर्म या ठंडा होना उसमें मौजूद हरारत पर मुनहसर होता है। हरारत जितनी ज्यादा होगी चीज उतनी ही गर्म होगी, और हरारत जितनी कम होगी चीज उतनी ही ठंडी होगी। अब इस तजुर्बे को आप खुद करके देखें, मालूम करें कि हरारत हमारे लिए क्यों जरूरी है।